कुछ अच्छा और कुछ हटके खाने का मन हो तो ये आलू की कचौड़ी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आशमास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बढ़िया खस्ता आलू की कचौड़ी, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2 कप आटा, इसको इस तरह से छान लेंगे आप तुरंत, तो इसमें आपके लम्ब्स नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पे हमने इसमें 1 चम्मच तेल डाल लिया है 1 टेबल स्पून, और नमक डाल के इसको मिक्स कर लेना है हाथों से। इससे आपका जो ऑयल है वो आटे में नमक और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम इसको पानी लगा के बढ़िया सॉफ्ट हो तैयार करेंगे, जिससे कि आप पूड़ियों का तरह से इसको अच्छी तरह से बेल पाए। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के हमने बढ़िया बढ़िया डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी हमने बढ़िया इसमें पंचेस मार लेने हैं। पंचेस मारने से देखिए कितना बढ़िया आटा गूंथकर तैयार हो गया। अब इसको आप रेस्ट पे रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। और हमने यहाँ पर आलू ले लिए हैं उबले हुए, यहाँ पर हमें 4 आलू लिए हुए हैं। अब हमने इनको फोड़ लेना है, और हमने यहाँ पर मसाले लिए हुए हैं, चिली फ्लेक्स, नमक, कुटी हुई हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ लहसुन, चाट मसाला, ज़ीरा और भुना पिसा ज़ीरा। तो यहाँ पे हमने आलू में सब डाल देना है। तो 2-3 कुटी हुई हरी मिर्ची, कुछ पोती लहसुन की है, यहाँ पर 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच ज़ीरा, और ये 1 प्याज हमने जो क्रशर से क्रश कर लिया, और कटा हुआ हरा धनिया और नमक स्वादानुसार इसमें डाल लेना है। अब इन सब चीज़ों को मिला के हमें इसकी स्टफिंग तैयार कर लेनी है। ये भरता ही बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। और अब यहाँ पे हमने स्लरी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच आटा लिया है, उसमें 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच तिल डाल दिए हैं सफ़ेद वाले, और अब पानी डाल के हम इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इतनी पतली रखनी है। अब यहाँ पर हम 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमने आटे को देख लेना है, रेस्ट पर दी थी कि बत्तू अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने बराबर बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो कम हम टोटल 3 लोइयाँ इसकी टूट जाएंगी, जितनी आपकी टूटती हैं आप उससे तोड़ लें। तो बड़ी बड़ी लोई हमने यहाँ पे इसलिए तोड़ी है क्योंकि हम इसको फ्लैटन करके इसमें से पूड़ियों की तरह से शेप के वो निकाल लेंगे गोल गोल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसमें सूखा आटा लगा के इसको बढ़िया फ्लैटन कर लेना है, अच्छा पतला हमने इसको रोटी की तरह बेल लेना है। और अब यहाँ पे एक कटोरी की हेल्प से इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर जितनी आपकी कटोरियों से कट हो जाए, 3 या 4 जितनी भी, आप इसे इस तरह से कट कर लें। उसके बाद बचे हुए पोर्शन को आप निकाल के अलग कर दें। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें, इसको बहुत पसंद आएगी आपको, हमें पूरा यकीन है। तो देखिए यहाँ पर हमारी 4 निकल गई हैं पूड़ियों के शेप। तो वहाँ पर हमने दूसरी और लोई ले ली, उसको भी फ्लैटन करके हमने निकाल लेने हैं। तो ये हमारे 4 इसमें भी निकल जाएंगे। तो इसी तरह से हमने पूड़ियाँ निकाल लेनी है कटोरियों से कट करके। अभी आ गई हमारी स्टफिंग, अब हम 1-1 चम्मच स्टफिंग सब में कर देंगे। तो ये हमने सारी पूड़ियों पे स्टफिंग डाल दी हैं। अब हमने इनको कचौड़ी को बना लेना है। तो एक आप उठाइए इस तरह से पूड़ी को, और इस तरह से आप हाथों से फोल्ड कर लीजिए। आप देख लीजिए, ईजीली विजिबल है किस तरह से करना है। इसमें थोड़ा सा अभी राइट खुले ही नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इसको यहाँ पर पैक कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे से बंद कर दीजिए, और इसको इस तरह से प्रेस करके थोड़ा सा फ्लैटन कर दीजिए हाथों से ही। अब हमने इसको बेलना नहीं है क्योंकि ये कचौड़ी बना रहे हैं हम आलू की, और यहाँ पे इस तरह से बना के हमें रख लेना है। तो इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को भर कर बना लेंगे, बढ़िया हम पैक कर देंगे इनको, तो ये खुलेंगी भी नहीं। और जो हमने स्लरी बनाई है वो उसकी मदद से तो आपकी कचौड़ी कभी भी नहीं फटेगी। तो आप एक बार इस तरीके से कचौड़ी ज़रूर बना के देखिएगा, आपके घर में वाहवाहियों के पुल बनने लगेंगे। तो अब ये देखें, हमने जो स्लरी बनाई थी इसमें लास्ट में हमने धनिया डाल दिया है। इससे क्या होगा कि कवरिंग से आपकी कचौड़ी फटेगी नहीं, और तिल और धनिया जो ऊपर से चिली फ्लेक्स वगैरह देखेंगे उसे सुंदर भी दिखेगी। अब हमने तेल गर्म होने रख दिया था, और अब यहाँ पे हमने देखिए जो स्लरी है इसमें डिप कर लेनी है हर कचौड़ी को, और यहाँ पे तेल में डालकर सेक लेनी है। तो याद रखिएगा, हाई फ्लेम पे तेल गर्म होने के बाद जब हमने इसमें कचौड़ी डालनी है तब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, क्योंकि इसको हमें अंदर तक अच्छी तरह से सेकना है ताकि ये कच्ची ना रहे और बढ़िया खस्ता सिककर तैयार हो। तो देख रहे हैं ना आप कितनी बढ़िया कचौड़ी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल फूली फूली, एक एक कचौड़ी फूलने वाली है, और आपको हर कचौड़ी में मुँह से निकलेगा कि वाह कितनी अच्छी बनी है। तो ये कचौड़ी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, आप कटोरियों के हल्के से कट कर लेते हैं तो ये पतली एकदम बढ़िया अच्छी बनकर तैयार होती हैं।
तो ये तरीका हमारे हिसाब से आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में, ऊपर से तिल और ये धनिया की कवरिंग के साथ। और यहाँ पर देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है, अब ये सिक गई हैं। और जब ये इतने गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएंगी तब हम इन्हें निकाल लेंगे और ये कचौड़ियाँ ऐसे ही फूली रहेंगी काफ़ी लंबे समय तक भी आप इन्हें रखे रहेंगे तो ये पिचकेंगी नहीं, ऐसे ही बनी रहेंगी। अब हम इसको स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल कर प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हमने बाकी की कचौड़ियों को भी सेक लेना है। कभी नाश्ता बनाना हो या इवनिंग टाइम में या घर पे आए हुए गेस्ट को फटाफट से आपको कुछ नया बनाकर खिलाना हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मेहमान आपसे पूछे बगैर नहीं जाएंगे इस रेसिपी का तरीका। तो आप इसी तरीके से ये दूसरा भी हमने कचौड़ियों को सेक लिया है, इसको निकाल लेंगे स्ट्रेनर की हेल्प से और ये हमारी कचौड़ियाँ सेक कर तैयार हो गई हैं। तो हमने ये निकाल ली हैं। अब हम इसके लिए एक मिर्ची, हरी मिर्ची को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसको इसके साथ सर्व करें, ये अच्छी लगेगी और भी ज़्यादा खाने में। ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर लें, इससे गार्निशिंग भी हो जाएगी हमारी और इसके साथ खाने में मज़ा भी आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कचौड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, साथ में हरी मिर्ची के साथ ये और भी ज़्यादा मतलब आपकी भूख बढ़ा देने वाली है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तोड़ कर चेक कर लेते हैं, ये देखिए बढ़िया अंदर तक क्रिस्पी और सिकी हुई है। थैंक यू।